Good morning, class 12. Hope you are all good at home and also studying. Open to page 4. Page number 4, we have to start from here. We have done till here ki usne wahan locomotive bhi dekha, ek engine ka dabba dekha, theek hai, जो करियर एंड आइज लोकोमोटिव शुरू में बनाया करते थे. टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. अपने आप को श्योर करने के लिए कि वाकई कुछ मैं ऐसी जगह पर हूँ, सामने एक लड़का बैठा हुआ था और उस लड़के के पास उसके पैर के पर बहुत सारे ढेर अखबारों का लगा हुआ था. It was the world, and the world hasn't been published for a year. और जब मैंने ध्यान दिया कैप्शन पेपर का, उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था द वर्ल्ड. और ये अखबार द वर्ल्ड आज से कोई 100-150 साल पहले चलता था, अब नहीं. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड. I have found that front page since in the public library file, and it was printed June 11, 1894. उसने एक प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में भी लीड स्टोरी फ्रंट पेज पर पढ़ी थी पब्लिक लाइब्रेरी, और वहाँ पर उसका तारीख जो छपी हुई थी June 11, 1894 की तारीख छपी हुई थी. I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. मैं मुड़ा टिकट विंडो की तरफ, चलो थोड़ा पूछताछ ही कर लें थर्ड लेवल ग्रैंड स्टेशन पर कि मैंने लुइसा को कहीं घुमाने ले जाना है यूनाइटेड स्टेट, तो उसके लिए टिकट के बारे में पता कर ले. इन द ईयर 1894, ये था सन जब पता किया 1894, एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस. और मैंने पूछताछ में पूछा भी कि दो टिकट हमको चाहिए गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाने की. हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल. आज भी ये बड़ा चमत्कारी, बड़ा गुड टाउन है. कभी कहीं गए हो वहाँ? वहाँ देखो, विद बिग एंड ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बड़े बड़े घर, खुले लकड़ी के बने हुए, बड़े बड़े लॉन्स, फ्रेंच लॉन्स, ह्यूज लॉन्स, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और बेशुमार पेड़ लगे हुए हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड द रूफ द स्ट्रीट. गलियों के किनारे जो पेड़ हैं वो इतने छायेदार हैं कि दोनों साइड के पेड़ आपस में सेंटर में मिल जाते हैं और स्ट्रीट के ऊपर एक छत सी बना देते हैं, छाया सी बना देते हैं, इतना प्यारा. एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड द पीपल सेट आउट ऑन दियर लॉन. और उस ज़माने में समर इवनिंग बहुत ही इंजॉयबल होती थी. गर्मी की शाम को बड़े बड़े लॉन, बड़े बड़े घरों के बाहर बैठ जाते थे बेंचेस लगा कर या सीढ़ी कुछ भी लगा कर, घंटों बतियाते थे लोग, मैन स्मोकिंग सिगार, आदमी लोग बतियाते थे, बातचीत करते थे, सिगार पीते थे और धीरे धीरे बात करते थे. द वेमेन पे वेविंग पाम लीफ फैन, औरतें बातें चीतें करती हुई बैठकर अपने लॉन में एक दूसरे के साथ मिलकर, हाथ में उनके पाम की पत्ती होती उसका वो अपने आप को पंखा करती. विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, शाम होने लगती और जुगनू रात के अंधेरे में टिमटिमाने लगते. क्या पीसफुल वर्ल्ड था, क्या शांति प्रिय दुनिया हुआ करती थी. आज है ऐसी दुनिया? नहीं.
ये पुराना ही समय है जब सबके पास समय भी होता था, बतियाने का पूरा पूरा परिवार बैठा करता था, राइट, बड़ी शांति से लोग रहते थे। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, अभी तो अभी और 20 साल हो गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, एंड द वर्ल्ड वॉर टू ओवर 40 years इन फ्यूचर, और आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर टू 40 साल बाद होगा। सब बातें दिमाग में आ रही थी। आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर दैट, मुझे 2 टिकट्स चाहिए थे गिल्सबर्ग इलिनियोस के, इसलिए पता करने पहुंचा। द क्लर्क फिगर्ड द अफेयर, क्लर्क ने बता दिया भाई इतने पौंड। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, और क्लर्क अंदर से झांक कर मेरे बड़े सुंदर से हैट को, जो उसको सुंदर लगा, उसने देखा। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट, और मैंने जब जेब खंगाली मेरे पास बस उतने ही पैसे थे जितने का 2 टिकट आ सके, 1 way, और वो भी एक तरफा, अगर हम चले गए जाने के लिए पैसे हैं आने के लिए नहीं। बट वेन आई काउंटेड, जब मैंने उनको काउंट किया, पुट द मनी एंड लुकड अप, काउंटर पर पैसा रखा और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, वो क्लर्क जो बैठा था वो मेरे को घूर रहा था। ही नॉटेड एट द बिल्स, बिल्स का मतलब वही पाउंड डॉलर जो भी पैसे, उसने पैसों को देखकर सिर हिला दिया। दैट ain't मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किम मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार। क्या बोला उसने? दैट ain't मनी मिस्टर, एंड इफ यू ट्राइंग टू स्किम मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार। ओए बंदे, ये पैसे नहीं है, ये क्या दे रहा है मुझे, जाली करेंसी दे रहा है, कौन से नोट दे रहा है, ये चूरण के नोट दे रहा है, ये पैसे नहीं है, और अगर मेरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, अभी कॉप्स पकड़ लेंगे तेरे को। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और नीचे जो दराज उसका ड्रॉअर खुला था उसने खोल कर दिखाया, देखा, बिसाइड हिम ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल, उसमें जो नोट पड़े हुए थे वाकई बड़े बड़े चौड़े चौड़े नोट, वो कुछ पुराने स्टाइल की करेंसी लग रही थी मुझको, मैंने भी झांक कर देखा। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, अभी बताया आपको, वो नोट डबल से थे, हमारा 100 का उनका 1000 का लग रहा था, इतने बड़े बड़े नोट थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग अलग तरह के रंग में। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहाँ से मुड़ा और जल्दी से निकल गया। देर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, अपने बारे में अपने आप सोच रहा था 1894 के बारे में, एक जेल के माफ़ी की था सब। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट, बस जो था वहीं छोड़ा मैंने, द सेम वे आई केम, और उसी रास्ते से जिस रास्ते से मैं आया था आई सपोज वापस हुआ। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, अगले दिन मैं बैंक गया, बैंक में अपना खाता देगा, $300 मेरे पास बैंक में थे, ठीक है। एंड बॉट अ ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियल्टी वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, ये बात सुनकर मेरा दोस्त थोड़ा सा घबरा गया था, चिंतित हो गया था जब मैंने ये बात बताई, तो बैंक से जितने मेरे $300 थे या जो भी थे उनको सारे के सारे निकाल लिया कि चलो भाई मैं टिकट खरीदूँगा, ठीक है, और उस टिकट के लिए पहले मैं ओल्ड टाइप ऑफ करेंसी लूँगा, पुराने ज़माने के नोट बदलूँगा, उनको लेके टिकट खरीदूँगा। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, आपको पता है मनी एक्सचेंजर होते हैं आज भी ज़माने में हैं, आप न्यूजीलैंड से आए तो आप पैसे बदल लेते हो, उसको दे के इंडियन करेंसी ले लेते हो, अमेरिका से आए
$2 दे के इंडियन रुपी ले लेते हो, बदले जाते थे पैसे, आज भी बदले जाते हैं। तो वो भी ये सोच रहा था कि ओल्ड करेंसी लेकर, ठीक है, माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। मैंने $300 अपने जमा खाते से सारे निकाले, इन $300 को मैंने ओल्ड स्टाइल बिल्स में कन्वर्ट किया, पुराने नोटों में कन्वर्ट किया। बट आई डिड नॉट केयर, एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उस टाइम में जब मैंने पूछा सेंट्रल स्टेशन पर, एक दर्जन अंडे सिर्फ 13 सेंट्स के आते थे, सिर्फ 13 सेंट के एक दर्जन अंडे मिल रहे थे, काफ़ी सस्ता ज़माना था। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। लेकिन उस हादसे के बाद मैंने फिर कभी वो कॉरिडोर, थर्ड लेवल को जो जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, उसके बाद मैं कभी मिला नहीं, ना कहाँ कहीं मैंने देखा। बहुत ट्राई की कि वो जो थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जा घूमा था, इधर है, बंप करूं कॉरिडोर में, इधर उधर निकलूं, लेकिन मुझे थर्ड सेंट्रल स्टेशन, थर्ड लेवल नहीं मिला। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन लेना। तो ये उसने बताई बात। उसके बाद उसने बहुत कोशिश की कि उसको थर्ड लेवल फिर मिले, अपने दोस्तों को बता रहा है ऐसा ही, कितने दोस्तों को और जिनके साथ बैठा, पर उसको दोबारा कोशिश करने पे नहीं मिला। अब लुइसा वॉज प्रिटी वरिड, वो भी थोड़ा सा चिंतित थी, परेशान थी, चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, सारी बात मैंने अपनी घरवाली से जब शेयर की, नेचुरल बात है, एक घरवाली कही पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रहा है, पता नहीं कहाँ होके आया है, ठीक है। तो जब मैंने उसको शेयर किया, सारी बात बताई, एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक एट द थर्ड लेवल एनीमोर, मेरी घरवाली ने चेतावनी दी, खबरदार फिर गए, खबरदार फिर कभी इधर उधर थर्ड लेवल की कोशिश की। एंड आफ्टर अ वाइल्ड आई स्टॉप, बस फिर क्या था, अपनी घरवाली से, होम मिनिस्ट्री से हर कोई घबराता है। उसके बाद फिर मैं वापस अपना एस्केप के लिए तुर पाया, मतलब अपने दिमाग को फिर से मैंने बिजी कर लिया, मतलब मैं फिर अपनी स्टैंप कलेक्टिंग पर आ गया, अपने शौक पर आ गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। और तब से अब तक हम दोनों, मैं और लुइसा, हर वीकेंड जाते हैं घूमने, देखने के लिए कि शायद किसी टनल से निकल कर एक बार फिर से थर्ड लेवल के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर दर्शन हो जाएं, दिखाई दे जाए। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपीयर्ड, मेरा दोस्त सैम वीनर वहाँ से गायब हो गया, नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं बता सकता, वो मेरा दोस्त था सैम, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज़ अ सिटी बॉय, पर मेरे को थोड़ा सा शक है कि वो शहरी लड़का है, शहर में रहने वाला है। एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं भी उसको, मेरे फ्रेंड को बताया करता था, है ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस कितनी सुंदर जगह है, वहाँ का स्कूल कितना सुंदर है, वहाँ ये चीज़ कितनी सुंदर है। तो वो भी कहा करता था सैम वीनर की, यार मैं भी जाना चाहता हूँ वहाँ। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, राइट, और उसको वहाँ की जो आवाज़ सुनाई देती है उसके कानों में, उसको बहुत ही भीनी भीनी अच्छी लगती है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। मेरा दोस्त भी शायद सैम वीनर गया, और वो भी शायद कहीं टाइम ट्रैवल कर गया, वो भी शायद कहीं 1894 में चला गया। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड वेल, डू यू नो वॉट अ फर्स्ट डे कवर इज,
अब एक रात जैसे नींद नहीं आ रही थी, दिमाग को ऑक्यूपाई करने के लिए मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन करने के लिए फिर बैठ गया, देखने लगा। आप जानते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है? पहले दिन जो गांधी जी की 1 रुपए की स्टैम्प रिलीज़ की जाती है, सबसे पहली जो प्रधानमंत्री रिलीज़ करता है दिखा के, उसको फर्स्ट डे कवर कहा जाता है बच्चों, उसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स, और उसकी बहुत कीमत होती है, सब हर कोई उसको ख़रीदने के चक्कर में होता है, जो फिलैटिस्ट होता है, फिलैटिस्ट मीन्स जो इस चीज़ का शौक रखता है, एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। पूरे एनवलप को पहली स्टैम्प लगे उसको फर्स्ट डे कवर करते। मैं एक बार फिर बताता हूँ, पहली स्टैम्प जो है जो पब्लिश हुई है उसको ख़रीद कर अपने एनवलप पे लगा कर अपने एड्रेस लिख लिया, क्योंकि हम तो कलेक्ट करते हैं, हमारी स्टैम्प है, बड़ी महंगी स्टैम्प है, उसको अपने ही एड्रेस पर मेल कर देते हैं, और जब वो चिट्ठी आती है आपके घर पर और वो पहला इजाद किया हुआ स्टैम्प उस पर लगा होता है, मोहर लगी होती है पोस्ट ऑफिस की, उसको हम कलेक्ट करते हैं, करते थे, और उसको फर्स्ट डे कवर कहते थे। दे आर नेवर ओपन्ड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन एन एनवेलप, और उसको इस तरह रखा जाता था, उस लिफाफे में एक ब्लैंक पेपर रख दो चिट्ठी के माफिक, और उनको कलेक्ट किया जाता था। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उस रात जब मैं स्टैम्प अपनी कलेक्शन देख रहा था उसमें फर्स्ट डे कवर्स भी आए, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। एक फर्स्ट डे कवर वहाँ ऐसा मुझे मिला जो मेरे इस कलेक्शन में नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन देखो वो यहाँ पर था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैज मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेलबर्ग, बहुत पुरानी बात है, और ये जो कवर है किसी ने यहाँ रखा होगा, ये मेरे दादाजी के ज़माने का था, ये मेरे दादाजी ने फर्स्ट डे कवर कलेक्ट किया था, क्योंकि उनको भी कलेक्शन की, स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी थी, ठीक है, ये मेरे दादाजी ने, ठीक है, जब वो गेल्सबर्ग रहते थे। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, और उस एनवलप पर साफ लिखा हुआ था दादाजी का गेल्सबर्ग एड्रेस, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, और तब से जुलाई 1894 से ये भी मेरे पास इधर ही पड़ा हुआ है। द पोस्ट मार्क शोड, वहाँ पे जो स्टैम्प लगी है, जो ठप्पा लगा है, उसमें ये तारीख लिखी हुई है जुलाई 18, 1894। इट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, हालांकि मुझे कुछ याद नहीं था। ये 6 सेंट डल ब्राउन, ये स्टैम्प हल्के ब्राउन कलर की है, और 6 सेंट उसकी कीमत है, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस पर जो फर्स्ट डे कवर पर जो तस्वीर है वो है प्रेसिडेंट गारफील्ड की। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन्ड इट। ये तभी से शायद मेरे भी स्टैम्प कलेक्शन में पड़ा है, ये ग्रैंड डैड ने मेल किया था, और आज भी यहाँ पड़ा है, जिसको मैंने निकाला और पढ़ा, और उसमें जो एक कागज़ जैसे डाला जाता, कागज़ जो था उसमें क्या लिखा हुआ था, 941 विलर्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉयस जुलाई 18, 1894। चार्ली को चिट्ठी लिखी, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं समझता हूँ कि जो तुम कह रहे थे
वो बिल्कुल ठीक है. देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, मेरे को विश्वास हो गया. एंड चार्ली इट इज ट्रू, और चार्ली मुझे विश्वास हुआ जो तुमने कहा और ये सच बात है. आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया. एंड आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, और 15 दिन हो गए मैं यहाँ रहा, यहाँ आया 15 दिन पहले. एंड राइट नाउ, और इस समय डाउन द स्ट्रीट एट डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो. डेली सीट थोड़ा दूर पियानो बजने की आवाज़ आ रही है, प्ले कोई कर रहा है. एंड दे ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सिंग नैली होम, और पोर्च में बैठे जैसे आवाज़ आ रही है कि वो सिंग नैली होम. एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे यहाँ लेमनेड पर, शिकंजवी के गिलास पर बुलाया गया है, आमंत्रित किया है. कम ऑन बैक चार्ली, ओए चार्ली कहाँ है अभी तू, तू भी आ जा. एंड लुइसा, तू भी आ जा इस थर्ड लेवल पर. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट इज़ वर्थ इट बिलीव. तो कहाँ है तू, जल्दी आ जा. फर्स्ट लेवल बड़ी मज़ेदार जगह है, और मुझे विश्वास है बहुत कि तू भी जल्दी आ जाएगा. तो ये थी एक सैम वीनर की लेटर मिली उसमें, उसके फर्स्ट डे कवर में क्या मिली, एक सैम वीनर की लेटर मिली, जो ये साबित करती है कि उस सैम वीनर को थर्ड लेवल मिल गया है, और थर्ड लेवल में उसको बड़ा एंजॉय हो रहा है. वो 15 दिन पहले वहाँ गया था, और इस चिट्ठी से ये पता चलता है उस समय के कि इस, क्योंकि तारीख लिखी हुई है जुलाई 18, 1894, और वो कहता है कि तू यहाँ आ जा. इससे ये पता चलता है कि सैम भी थर्ड लेवल गया. द नोट इज साइंड सैम, और नीचे यहाँ योर लविंगली सैम करके साइन हो रखा है. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. बाद में मैं एक मनी एक्सचेंजर के पास गया जो कॉइन और स्टैम्प मतलब लेता था, उसके पैसे देता था, और मैंने वहाँ पता किया कि $800 वर्थ के, $800 वर्थ के इसने ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीदी थी वहाँ जाने के लिए. पुराने ज़माने के नोट खरीदे थे $800 के, सारा कट्ठा कुट्ठा करके इसने जो पैसा था, ये मुझे पता चला कि वो सारा कुछ बेच बाज के ना, उसका ग्रेन का बिजनेस था. ग्रेन समझते फॉडर, फॉडर मतलब गाय भैंस बकरों का चारा वारा, अच्छा काम था. उसने सारा कुछ बेच बाज के $800 इकट्ठा करके, और पता चला कि वो ओल्ड स्टाइल करेंसी लेके उधर चला गया. दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस. ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू. वो हमेशा कहा करता था, सैम भी कहा करता था, यार ये बिजनेस मैं करना चाहता हूँ एज अ नाइस लिटिल, जब वो छोटा सा था. एंड ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू. And he certainly can't go back to his old business, not in Galesburg, Illinois, in 1894. His old business. Why, Sam was my psychiatrist. So children, ये था letter जो उसको मिला first day cover का. ये थी सब justifications की वाकई third level है. उसके फ्रेंड ने भी उसको बताया कि थर्ड लेवल है, उसकी चिट्ठी भी उसके हाथ की लिख की मिल गई, उसके दादाजी के बारे में गेल्सबर्ग इलिनियॉस का सारा पता चल गया, वो तारीखें सामने नज़र आ गईं जो जुलाई 1894 उसने कई बार देखी, ठीक है, वो अखबार आ गया सामने. तो ये बात साबित होती है, इन चीज़ों से हमारे पढ़ने के बाद ये साबित होती है कि ये बंदा जो चार्ली था, ये टाइम ट्रैवल करा, ये पिछले समय में कहीं चला गया.
जो कुछ भी उसने देखा उसको उसके यार दोस्त मित्र सब उसको पागल कहते थे। उसका एक फ्रेंड साइकेट्रिस्ट उसको पागल कहता था। ठीक है, राइट, ओके। नाउ यू, मैं आज ये दोनों वीडियो, इससे पिछली भी भेज देता हूँ, आप दोनों को अच्छे से दो बार सुनिए तो आपको इसकी स्टोरी समझ आ जाएगी। ओके चिल्ड्रन, आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट टर्न एंड यू विल डू देम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लिसन एंड डू रिवाइज।